डिटेक्टिव एजेंसियां देखिए डिटेक्ट कौन सी कंट्री की डिटेक्टिव एजेंसी डिटेक्टिव एजेंसी होती है उनके नाम क्या हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये आपकी चाइना की है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये ए एस आई ओस्ट्रेलिया की है KGB, KGB या जी आर यू किसकी रसिया की है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ये साउथ अफ्रीका की इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एजेंसी का नाम है एम आई इंटेलिजेंस एम आई फाइव एंड सिक्स स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड किंगडम की हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आई एस आई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आई एस आई ये पाकिस्तान की है आई एस आई इंटर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिंग रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग एन आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये इंडिया की हैं रो और आई बी इंडिया की हैं सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सी आई ए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एफ बी एफ बी आई ये यू एस ए की हैं मोसाद मोसाद ये किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी डिटेक्टिव एजेंसी है इसराइल की मोसाद इसके बाद मेंखबरात मखबारात ये इजिप्ट की है मखरात ना नाइको या नाइचो ये किसकी है जापान की है सबाक 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 सजामनी एटिल एटिलाटवा एमनीट एट, कैचबार ये ईरान की है सबाक जनरल सिक्योरिटी डिफेंस जीएसडी जनरल डी जनरल जनरल सिक्योरिटी से, डायरेक्टरेट डायरेक्टोरेट जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ये इराक की है डी जी एस डायरेक्शन जनरल डी ला सिक्योरिटी एक्सटीरियर ये किसकी है फ्रांस की है डी जी एस तो हमने डिटेक्टिव एजेंसी पढ़ी कंट्रियों की अब हम जानते हैं देखिए हमें पता है कि हमारे बंडर हैं जैसे ताजमहल चाइना की दीवार ठीक है और तो हम जानते हैं प्राचीन भारत मध्य भारत और अब बंडर ठीक है अब जैसे द कोलास ऑफ रोड्स ये मॉडर्न वर्ड में चैनल टनल कहते हैं इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इसे सी एन टॉवर ठीक है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग द म्यूजियम एट हेलीकारस गोल्डन गेट ब्रिज द स्टेट जियोस एट ओलंपिया इटाइप डैम द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंडर नॉर्थ सी प्रोटेक्शन द टेम्पल ऑफ आर्टमिस ऑफ एफेसिस पनामा कैनल देखिए हम न्यू बंडर के बारे में पढ़ते हैं देखिए पारामिडेट चिचेन इटजा मैक्सिको ये एक न्यू बंडर है क्रिस्ट रेडीमर ब्राजील ये एक न्यू बंडर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक बंडर है माचू पीचू पेरू बंडल है पेट्रा जॉर्डन बंडल है रोमन कोलोसियम इटली बंडर है द ताजमहल इंडिया ये एक बंडर में आता है अब किस कंट्री का कौन सा सिंबल है या किसी सिविलाइजेशन का कौन सा सिंबल है जैसे पेन पेन को कहते हैं सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लोटस को कल्चरल एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन रेड क्रॉस को मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल जब आपको देखना होगा एम्बुलेंस में या ऐसा लिखा होता है इस ये रेड क्रॉस इसका मतलब होता है मेडिकल एड ये ऐसा लिखा होता है प्लस तो ये मेडिकल एड होता है ठीक है एंड हॉस्पिटल रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेबोल्यूशन ऑल्सो साइन ऑफ डेंजर ब्लैक फ्लैग सिम्बॉल ऑफ प्रोटेस्ट येलो फ्लैग फोलो ऑनशिप और व्हीकल कैरिंग पेशेंट सफरिंग सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिशीज फोलोन फ्लोन फोलोन ऑनशिप और व्हीकल कैरिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ येलो फ्लैग फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन सिम्बल ऑफ डिस्ट्रेस फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन सिम्बल ऑफ डिस्ट्रेस वाइट फ्लैग सिम्बल ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब हारमान सरेंडर का ठीक है और पिजन और डोब सिंबल ऑफ पीस पिजन और डोब सिंबल ऑफ पीस अ ब्लाइंड फोल्ड वूमन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल सिंबल ऑफ जस्टिस अ ब्लाइंड फोल्ड वूमन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल सिंबल ऑफ जस्टिस मतलब एक वो आपने देखा होगा अदालतों में एक महिला तराजू को लेके तकरी तखरी को लेके के तखरी तर, तराजू को लेके आंख पर पट्टी बनी होती है और उसे ऐसे पकड़े खड़ी होती है तो उसे बैलेंस्ड स्केल कहते हैं उस तराजू को और अब ब्लाइंड फोल्ड होती है वो तो मतलब उसे ये वो सिंबल ऑफ जस्टिस होता है ठीक है इसलिए कहते हैं अंधा होता है ब्लैक ब्लैक स्ट्रेप ऑन फेस आर्म साइन ऑफ मॉर्निंग और प्रोटेस्ट ठीक है वन स्कूल ऑन टू बॉन्स क्रॉसिंग ईच अदर वन स्कूल ओन ओन टू ब्रॉन्स क्रॉचिंग ईच अदर डायगोनली साइन ऑफ डेंजर आपने देखा होगा जहाँ पर करेंट होता है करेंट के तार हुए होते हैं करेंट का बिजली ऑफिस टाइप होता है तो वहाँ पर एक ऐसी खोपड़ी बनी होती है ए, मतलब खोपड़ी बनी होती है ऐसी ठीक है ऐसी और उसके पीछे ऐसी दो हड्डियाँ होती हैं तो ये किसका सिम्बल होता है डेंजर का ठीक है भील 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 चक्र ये किसका है सिंबल ऑफ प्रोग्रेस सिंबल ऑफ प्रोग्रेस किसको के भील चक्र आपको पता है पहिया चलता चल रहा है इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है तो सिंबल ऑफ़ प्रोग्रेस क्या है भील फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट सिंबल ऑफ नेशनल मॉर्निंग ओले ब्रांच सिंबल ऑफ पीस ओले ब्रांच मतलब एक पेड़ की पत्तियाँ होती हैं पहले झंडे झंडे नहीं चलते थे तो एक ओलि पेड़ ट्री होता था उसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी तो उनको ऐसे ऐसे करके अपने आप की सरेंडर कर देते तो इसलिए ओले ब्रांच सिंबल ऑफ पीस है और ये आपका फ्रिज ईडियम फ्रिज में भी पूछ लिया जाता है ओले ब्रांच तो सिंबल ऑफ पीस याद रख आप लैंग्वेज मेंबर और ये आपके कौन सी लैंग्वेज के कितने कितने मेंबर हैं ठीक है तो देखिए मैंडेरिन चाइनीज़ मैंडर चाइनीज़ के 955 मिलियन 955 मिलियन मेंबर हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर किस लैंग्वेज के हैं मैंडरिन चाइनीज़ के 95 955 मिलियन स्पेनिश के 405 मिलियन स्पेनिश के मेंबर कितने हैं 405 मिलियन इंग्लिश के 360 तो 380 मिलियन इंग्लिश के 360 तो 380 मिलियन इसके बाद में अरेबिक के 295 मिलियन अरेबिक के 295 मिलियन हिंदी के 260 मिलियन हिंदी के 260 मिलियन और पुर्तगीज के 215 मिलियन और पुर्तगीज़ के 215 मिलियन तो चाइनीज़ के मेंबर सबसे ज़्यादा हैं और भारत के पाँचवें नंबर पे हैं ठीक है लैंग्वेज में अब बात आती है न्यूज़पेपर कौन सी कंट्री का कौन सा न्यूज़पेपर है मतलब थोड़ा प्रम प्रोमिनट न्यूज़ जैसे अभी इंडिया द हिंदू है ट्रिब्यून है द टाइम्स ऑफ इंडिया है इंडियन एक्सप्रेस है इस तरीके से कौन से फेमस है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको मिलेगा द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ये ऑस्ट्रेलिया का है द एज ये भी ऑस्ट्रेलिया का है अब कनाडा जाओगे तो ग्लोब एंड मेल ये कनाडा का है ग्लोब एंड मेल द गजट ये कनाडा का है द गजेट इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ये आपका फ्रांस का है डाई बेल्ट ये जर्मनी का है द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इंडिया का है द हिंदू ये भी इंडिया का है द ट्रिब्यून ये भी इंडिया का है दीट्स मैन ये इंडिया के हैं ठीक इसके बाद में द हिंदुस्तान टाइम्स ये भी इंडिया का है अब अब आता है मैनीची डेली न्यूज ये जापान का है द न्यूजीलैंड हेराल्ड न्यूजीलैंड का है द प्रेस न्यूजीलैंड का है द टाइम्स यूनाइटेड किंगडम का है द टाइम्स यूनाइटेड किंगडम का है द स्कॉट्समैन यूनाइटेड किंगडम का है द गार्जियन यूनाइटेड किंगडम का है द हेराल्ड यूनाइटेड किंगडम का है द दुरियर यूनाइटेड किंगडम का है ये यूनाइटेड किंगडम के हैं वॉशिंगटन पोस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये यूएसए का है वॉशिंगटन पोस्ट ठीक है अब का देखिए हर एक कंट्री में पार्लियामेंट होता है आपको पता है भारत के पार्लियामेंट है तो वैसे में हर एक कंट्री के पार्लियामेंट का क्या नाम है जैसे अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को सोरा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट है, जे, कहते हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट को ज जतीय हाउस ऑफ द नेशन कहते हैं ठीक है बांग्लादेश के भूटान के को तोसोगु कहते हैं तोस्कदू कहते है, सौकदू कहते हैं भूटान भूटान के को कनाडा के को पार्लियामेंट कहते हैं चाइना को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं चाइना के ये पार्लियामेंट के नाम ही हैं नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं इजिप्ट के पीपल्स असेंबली कहते हैं फ्रांस के को नेशनल असेंबली कहते हैं जर्मनी के को बंद बुंदेस्टेक कहते हैं बुंदेस्टेक जर्मनी के को ग्रेट ब्रिटेन के को पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट ही कहते हैं पार्लियामेंट को इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहते, कहते, है, कहते हैं जापान में पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं जो डी एड बी एड करने होती हैं अपने यहाँ पे इंडिया में वो डाइट को पार्लियामेंट कहते हैं जापान में नेपाल में पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली एंड सीनेट कहते हैं पाकिस्तान में रशिया में डूमा कहते हैं स्पेन में कोट court, कोटिज कहते हैं स्वीडन में रिक्स डेक कहते हैं साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट कहते हैं स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली कहते हैं यूएसए में कांग्रेस कहते हैं तो यूएसए में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कांग्रेस कहते हैं ठीक है अब आती हैं लार्जेस्ट कंट्री स्मॉलेस्ट कंट्री एंड लार्जेस्ट देखिए लार्जेस्ट कंट्री अभी हम कर रहे हैं एरिया लार्जेस्ट कंट्री एरिया की टॉप फाइव कौन सी है तो नंबर वन है रसिया नंबर टू है कनाडा, नंबर तीन है चाइना नंबर चार है यूनाइटेड स्टेट और नंबर पाँच है ब्राज़ील तो आप कैसे याद रखोगे आर सी सी आर सी सी बी यू बी यू का आर सी सी हो गया या देखिए मेरे हिसाब से ट्रैक भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है तो हमें रिपीटेशन पर काम करना है वैसे आप ये एक याद रख सकते हो कि बी यू में आर सी सी का रोड बन गया बी यू मतलब ए, ए, आप बी यूनिवर्सिटी या मतलब कुछ भी नाम रख लें आर सी सी का रोड बन गया या फिर आप ऐसे याद रखें कि देखिए आपको पता है सबसे अभी रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो जब यू रसिया यू था तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रसिया का था मतलब आधे से ज़्यादा में तो इसका मतलब सीधा सा है कि रसिया आज भी क्षेत्रफल में नंबर वन होगा अब दूसरी बात आई कि कनेडा कनेडा में आपको पता ही है कितने भारतीय रहने जा रहे हैं और कनेडा में आपको पता है बहुत हरे भरे मैदान हैं मतलब आपको दूर दूर तक प्रदूषण नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि कनेडा का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लोग घनी आबादी नहीं है जैसे आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में कितने छोटे छोटे घने घने घर होते हैं वहाँ पर बहुत दूर दूर घर होते हैं इसलिए कनेडा फिर चाइना को तो आपको पता ही है कि चाइना तो हर एक भारत का भी चीन हिस्सा कब्जा करके बैठा है तिब्बत को हड़प के बैठा है तो चाइना तीसरे नंबर पे है फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स फिर आता है ब्राज़ील तो आप एक बार बोलें थोड़ा अपनी आंख बंद कर लें और आप फिर बोलें देखिए एक तो मैंने बताया था बी यू आर सी सी या आर सी सी बी यू आर फोर रसिया सी फोर कैनेडा सी फोर चाइना बी फोर आपका ब्राज़ील और यू फोर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है और अब देखिए इनसे याद करने की कोशिश करें देखिए नंबर वन है रसिया ठीक है नंबर टू है कनाडा नंबर तीन है आपका चाइना और नंबर चार है आपका यूएसए और नंबर पाँच है आपका ब्राज़ील ब्राज़ील ठीक है तो ये एरिया वाइज हैं आपको सीक्वेंस से याद रखना है आर सी सी यू पी देखिए एक बार फिर से ध्यान कोशिश करें रिम्बर करने की तो देखिए नंबर वन पे है कौन रशिया नंबर टू पे है कनाडा नंबर थ्री पे कौन है आपका चाइना नंबर चार पे है यूएसए और नंबर पाँच पे है ब्राज़ील ये टॉप फाइव हैं और भारत का इसमें स्थान कौन सा है सातवा है ठीक अब टॉप फाइव पॉपुलेशन वाली देखिए ये हो गई एरिया वाइज क्या हो गई एरिया वाइज अब बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज टॉप फाइव कंट्री लार्जेस्ट कंट्री तो देख नंबर वन है चाइना ठीक है नंबर टू है इंडिया अगर आप अब काउंटिंग हो तो शायद इंडिया नंबर वन बन, बन जाए पर वो पहले के हिसाब से है तो नंबर वन चाइना नंबर टू इंडिया नंबर तीन यू नंबर चार इंडोनेशिया नंबर पाँच ब्राज़ील तो आपसे कहे कि बताओ आपसे कहे कि बताओ जनसंख्या के आधार पर नंबर वन कंट्री कौन सी है वो है आपकी चाइना नंबर टू कौन सी है वो है आपकी इंडिया नंबर थ्री कौन सी है वो है आपकी यूएसए नंबर चार कौन सी है वो है इंडोनेशिया नंबर पाँच कौन सी है वो है ब्राज़ील तो चाइना इंडिया यूएसए इंडोनेशिया और ब्राज़ील अब बात आती है अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट अब हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट तो इस्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज इस्मोलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज तो देखिए नंबर वन स्मॉलेस्ट कंट्री है बेटिकन सिटी सबसे छोटी विश्व की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है बेटिकन सिटी विश्व की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है रसिया मतलब एरिया में और विश्व की सबसे छोटी कंट्री एरिया में कौन है बेटिकन सिटी फिर इसके बाद में आता है मोनाको फिर इसके बाद में आता है नोरू नोरू फिर इसके बाद में आता है तवालू और फिर इसके बाद में आता है सैन मारिनो तो कौन कौन सी हैं देखिए सबसे छोटी है बेटिकन सिटी फिर इसके बाद में आता है मोनाको फिर इसके बाद में आता है नेहरू फिर इसके बाद में आता है तबालू फिर इसके बाद में आता है सैन मारिनो अच्छा अब पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट मौल, कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे या एरिया के हिसाब से पूछे बेटिकन सिटी ही पॉपुलेशन और यह दो या, एरिया दोनों के हिसाब से छोटी सिटी है अब फिर तबालू नंबर दो पे है नौ नौरू नंबर तीन पे नौरू एरिया के हिसाब से भी नंबर तीन पे और पॉपुलेशन के हिसाब से भी नंबर तीन पे है ठीक है पालू पलाऊ ये नंबर चार पे है और सैन मारिनो ये आपकी पाँच पे है ठीक है और ये दोनों सैन मारिनो आपकी बेटिकन सिटी और नारू ये तीनों सेम स्थान पे हैं पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी जैसे बेटिकन सिटी नंबर सबसे छोटी एरिया वाइज़ कंट्री है तो सबसे छोटी पॉपुलेशन वाइज़ कंट्री भी कौन है आपकी वेटिकन सिटी ही है इसके बाद में नंबर थर्ड छोटी कंट्री है नहरू एरिया वाइज तो नंबर थर्ड कंट्री छोटी पॉपुलेशन वाइज़ भी नेहरू ही है फिर इसके बाद में नंबर फिफ्थ कंट्री है ए, एरिया वाइज़ छोटी सैन मारिनो नंबर फिफ्थ कंट्री एरिया वाइज छोटी सें मारिनो ही है अब किस रिलीजन का कितना परसेंट है वर्ल्ड में हम जानते हैं तो देखिए क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी 2.2 बिलियन लोग हैं और इकतीस दशमलव पाँच परसेंट इसका टोटल है इस्लाम में 1.6 बिलियन पीपल हैं और बाईस दशमलव बत्तीस परसेंट है हिंदुज्म में एक बिलियन और तेरह दशमलव पंचानवे प्रतिशत है दोस्तों ये डाटा चेंज हो हो सकता है चेंज हो गया तो हो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें बुद्धिज्म का तीन सौ छिहत्तर मिलियन पाँच दशमलव पच्चीस परसेंटेज है सिखिज्म के तेईस मिलियन जीरो दशमलव छत्तीस परसेंट हैं जूिज्म के चौदह मिलियन जीरो दशमलव तेईस परसेंट हैं अब रिलीजन मेंबर हमने देख लिया है अब हम देखते हैं कंट्री और इनका एम्बलम क्या है ठीक है कंट्री देखेंगे और इनका एम्बलम क्या है ठीक है तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है Osionfish. आपकी ऑस्ट्रेलिया का क्या एम्बलम है कंगारू है ठीक है राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है और आपकी ऑस्ट्रेलिया का क्या है कंगारू है ये आपका बांग्लादेश का बोटल लिली है ठीक है बेल्जियम का लायन है बेल्जियम का क्या है लायन है कैनेडा का बायट लिली है कैनेडा का भाइट लिली है चिली का कैंडोर एंड ह्यूमेलू ह्यूमलू है फ्रांस का आपका आपके फ्रांस का लिली है जर्मनी का कॉर्न फ्रो फ्लो फ्लोवर है जर्मनी का एम्बलम क्या है कॉर्न फ्लोवर है इंडिया का एम्बलम क्या है लायड कैपिटल इंडिया का एम्बलम क्या है लायन कैपिटल ईरान का एम्बलम क्या है रोज ईरान का एम्बलम क्या है रोज इटली का एम्बलम क्या है वाइट लिली इटली का एम्बलम क्या है वाइट लिली इटली का एम्बलम क्या है वाइट लिली जापान का एम्बलम क्या है क्रिस् क्रिंथम क्रिसेम क्रिसमन क्रिसेम क्रिसेम क्रिसेन्थम क्रिसेमम जापान का है नीदरलैंड का लॉयन है न्यूजीलैंड का आपका साउथन क्रॉस की भी फर्न है नॉर्वे का लॉयन है पाकिस्तान पाकिस्तान का आपका क्रेसेंट है क्रेसेंट क्रेसेंट और स्पेन का आपका ईगल है और यूनाइटेड किंगडम का आपका रोज है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गोल्डन रोड है गोल्डन रोड है अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर भारत के किस किसने शुरू किए थे ठीक है तो जैसे कि आपको पता है भारत का जो न्यूज़पेपर है न्यूज वो बंगाल बंगाल गजट जेम्स हिक्की ने शुरू किया था जेम्स हिक्की ने बर्नेकूलर डेली या आपका समाचार दर्पण ये आपके भारत के कुछ न्यूज पेपर हैं ठीक है जैसे बर्नेकूलर डेली बर्नेकूलर डेली हिंदी न्यूज़पेपर टेलीग्राफ़ लाइन इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस साइलेंट मूवी ठीक है साइलेंट मूवी टॉल की मूवी साइलेंट मूवी और ये आपकी टॉल की देखिए न्यूज पे देखिए बंगाल गजट क्या है न्यूज़पेपर है जो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था बर्नेकुलर डेली समाचार दर्पण हिंदी न्यूज़पेपर उदांत मार्टन हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है भारत सबसे पहला उदांत मार्टन टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर टू कोलकाता टेलीग्राफ लाइन इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस मुंबई टू लंदन अठारह साइलेंट मूवी सबसे पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी राजा हरीश देखिए ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट तो पहला न्यूज़पेपर कौन सा है बंगाल गजट पहला बर्ने कूलर डेली समाचार प्रधान पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदान उदंत मार्टन टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर टू कोलकाता इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस मुंबई टू लंदन ये 1851 फिफ्टी वन साइलेंट मूवी साइलेंट मूवी राजा हरीश चंद्र ये दादा साहब फालके ने 1913 में बनाई थी तो दादा साहब फ़ालके ने भारत की पहली फिल्म साइलेंट मूवी राजा हरीश चंद्र बनाई थी इसलिए फिर जब से उनके याद में फालके पुरस्कार दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज में ना 1913 में बनाई थी टॉल की मूवी फर्स्ट बोलने वाली फिल्म कौन सी थी भारत की आला मारा यह बनाई थी अरडेसी रानी 1931 ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियज बोर्डशिप आई एन एस विक्रांत सेटेलाइट कौन सी है आर्यभट्ट नाइनटीन अप्रैल 1975 सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन पर्पस एडूसेट एडुसेट, एडुसेट. डेडिकेटेड मल्टी वेबलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी यह है एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट सक्सेसफुल इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल एस एल वी थ्री सक्सेसफुल इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल भारत का पहला सक्सेसफुल स्वदेशी लॉन्च व्हीकल कौन सा एस एल वी थ्री न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा 1956 में बनाया गया पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 1956 सौ लूनार मिशन ये है आपका चंद्रयान फर्स्ट अक्टूबर 2008 मार्स मिशन ये मार्स ऑर्बिटर मिशन ये फिफ्थ नवंबर 2013 को लॉन्च बन हुआ था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपका सिद्रा सिदरापोंग अठारह सौ एशियन गेम्स दिल्ली उन्नीस सेंसस अठारह में हुई थी पहली बार रेगुलर डेकेडल सेंसस अठारह सौ इक्यासी बायोस्फेयर रिजर्व नीलगिरी फर्स्ट राय बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा था नीलगिरी नेशनल पार्क फर्स्ट कौन सा था हेली नेशनल पार्क जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं उन्नीस सौ छत्तीस में बना फर्स्ट नेशनल पार्क था चेयरमैन ऑफ यू पी एस सी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यू पी एस सी कौन थे रोस बारकर रोस बारकर फर्स्ट ई कोर्ट कौन सा है अहमदाबाद कोर्ट एक्सक्लूजिवली डेडिकेटेड टू वूमन मालदा मालदा वूमन ठीक है और टेक्नोलॉजी पार्क टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है टेक्नो पार्क तिरुनाथपुरम कोल क्लोन एनिमल ये सम समरूपा रेल यूनिवर्सिटी कौन सी थी बड़ोदरा क्लोन एनिमल समरूपा ये फर्स्ट फर्स्ट चीज़ें कुछ थी अब हम मेल के बारे में पढ़ते हैं और वो कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक मेल में बात हो रही है याद रखें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलियम बेंटिक 1828 फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ़ फ्री इंडिया सी राजगोपालचारी फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया जनरल के एम करियप्पा फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया जनरल एस एच एफ जेट का मनेक्सा मनेक्सा जनरल एस एच एफ जेट मनेक्सा उन्नीस फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस राकेश शर्मा पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन शेरपा एंग डोर्जी फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक गौतम काजी गौतम काजी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ़ नेशनल ह्यूमन एच फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉवल प्राइज इन फिजिक्स सी वी रमन उन्नीस सौ सी वी रमन उन्नीस सौ तीस फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉवल प्राइज़ इन लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर उन्नीस सौ तेरह फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉवल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर अमृत सेन नाइनटीन नाइन्टी एट फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉवल प्राइज इन मेडिसिन फिजियोलॉजी डॉक्टर हरगोविंद खुराना नाइन्टीन फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न डॉक्टर एस राधा राधा सी राजगोपालचारी एंड डॉक्टर सी वी रमन नाइनटीन फिफ्टी फोर इनको मिले थे भारत के पहले भारत रत्न फर्स्ट पर्सन टू हॉनर्ड विद द जिन, जिन अवार्ड जननपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड है कि जननपीठ अवार्ड ठीक है और ये हैं आपके जी जी शंकरा कुरूप मलयालम फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न पोस्थुमस्ली मतलब मरो प्रांत पहला व्यक्ति जिसे मनोपरांत भरत रत्न मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट पद्म भूषण सी के नायडू फर्स्ट इंडियन टू गेट थ्रो आईसीएस सी एस सत्येंद्र नाथ टैगोर अठारह फर्स्ट इंडियन टू स्वेम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल मिहिर सेन नाइनटीन फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह फर्स्ट चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जो कि मर गए हैं इनकी आप इनकी जगह पर अनिल चौहान आ गए हैं ठीक है फीमेल फीमेल इंडियन फीमेल फी चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए इंडियन फर्स्ट इंडियन फीमेल अब फीमेल हमने मेल की बात करी है अब फीमेल की करते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी सरोजनी नायडू 1925 फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ये आपकी बछेंद्री पाल नाइनटीन फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर 1947 फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार 2009 फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मार्गरेट अल्वा 1962 फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका मेहर मूस 1976 फर्स्ट वुमेन आई ऑफिसर अन्ना राजम जॉर्ज 1915 फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस लीला सेठ 1991 फर्स्ट वुमन टू बिन जनान पीठ अवार्ड आशा पूनम देवी 1976 फर्स्ट वुमन टू गेट द भारत रत्न इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल नोबल प्राइज विनर मदर टेरेसा 1979 फर्स्ट वुमन टू कंप्लीट सेंचुरी इन इन वर्ल्ड कप क्रिकेट थिरुस कामिनी तुरु कामिनी फर्स्ट टू बिन सिल्वर इन ओलंपिक बैडमिंटन पीवी सिंधु फर्स्ट टू बिन सिल्वर इन ओलंपिक बैडमिंटन पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेडी नीता अंबानी फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नीता अंबानी फर्स्ट टू बिन ब्रोंज इन ओलंपिक रेसलर साक्षी मलिक फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ फाइट जेट अबनी चतुर्वेदी 2018 फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ फाइटर जेट अबनी चतुर्वेदी 2018 फर्स्ट इंडियन नवाल वन पायलट शुभांगी स्वरूप फर्स्ट इंडियन नवाल वन पायलट शुभांगी स्वरूप अब बात आती है बिगेस्ट हाइस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट एट्सेट्रा ठीक द लॉन्गेस्ट रिवर द गंगा पच्चीस किलोमीटर द लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है गंगा 2525 2525 25 याद रखें आप द लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है गंगा 2525 द लॉन्गेस्ट कैनल इंदिरा गांधी कैनल और राज और राजस्थान कैनल इंदिरा गांधी कैनल या राजस्थान कैनल क्योंकि इंदिरा गांधी कैनल कहाँ पे है राजस्थान में इसलिए इसे इंदिरा गांधी कैनल कह लो चाहे राजस्थान कैनल कह लो सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन किलोमीटर छः सौ उनचास किलोमीटर इसकी लंबाई है ठीक है द लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है हीराकुंड डैम उड़ीसा में है छब्बीस किलोमीटर ठीक है द लॉन्गेस्ट सी बीच द लॉन्गेस्ट सी बीच मरीना बीच चेन्नई तेरह किलोमीटर द हाइस्ट लेक द हाइस्ट लेक कौन सी है चोलामू लेक सिक्किम हाइएस्ट लेक है द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है चिल्का झील उड़ीसा द बिगेस्ट रिवर आइसलैंड मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर असम ठीक है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर द हाइएस्ट डैम तेहरी डैम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बूलर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में है द हाइस्ट डैम सबसे बड़ा डैम कौन सा है तेहरी डैम उत्तराखंड हाइएस्ट डैम है ठीक है टू सिक्सटी मीटर ऊँचा है इसके बाद में हाइएस्ट वाटर ये आपका कुंचिकल फॉल्स है और कर्नाटक में है कुंचिकल फॉल और ये चार सौ पचपन मीटर है या इसे चौदह सौ तिरानवे फिट कह लो द डीपेस्ट रिवर वैली कौन सी है भागीरथी एंड अलकनंदा द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है भूपेन हजारी का सेतु असम में है नौ नौ हजार एक सौ पचास मीटर इसकी लेंथ है द बिगेस्ट द बिगेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज द बिगेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज कौन सा है कैंटिलेवर मतलब जो धातु का बना हो ठीक है तो ये है रविंद्र सेतु और होबरा ब्रिज कोलकाता स्टेट बेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ये गुजरात है 1600 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है द लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा ये नर्मदा है। द लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा नर्मदा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज देखिए डेल्टा मतलब ये सीधी जाती है इसमें से ऐसी 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 नदियाँ नहीं फूटती जिससे यहाँ पर मट्टी जम जाती है तो इसे डेल्टा कहने लगते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा नर्मदा द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज यह आपका है बंद्रा बोरली सी लिंक 5.6 किलोमीटर द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक देवर लेक राजस्थान द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथन इंडिया ये गोदावरी चौदह किलोमीटर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया मतलब ये आपकी देखिए ये ईस्ट ये वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ये आपकी केरल तमिलनाडु साइड की तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ एन इंडिया गोदावरी है चौदह सौ पैंसठ किलोमीटर द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है तेरह सौ छियासठ दशमलव तैंतीस मीटर द लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है ग्रांड ट्रक रोड कोलकाताटा टू डेली द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल एट रामेश्वरम तमिलनाडु लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है ठीक है द हाइएस्ट रोड कौन सा है रोड एट खारदला इन लेह मनाली सेक्टर ये द हाइस्ट रोड है द हाइस्ट एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट लद्दाख में है ठीक है इसके बाद में आगे आते हैं द लार्जेस्ट डेसर्ट द लार्जेस्ट डेसर्ट थार राजस्थान में है द लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है ठीक पश्चिम बंगाल द स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन फोर परसेंट ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया द लार्जेस्ट जू जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता द बिगेस्ट स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता ये अब चेंज हो गया होगा। आप देख लेना शायद ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी हो सकता है ठीक है द लॉन्गेस्ट हाईवे एन एच फोर्टी फोर श्रीनगर टू कन्याकुमारी सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है एन एच फोर्टी फोर कहाँ से कहाँ तक श्रीनगर टू कन्याकुमारी द हाइएस्ट अवार्ड भारत रत्न द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र लार्जेस्ट गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर द लार्जेस्ट केप टेम्पल का कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र द लार्जेस्ट केप टेम्पल कौन सा है कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र द हाइएस्ट पीक गोलविन ऑस्टन के टू आठ मीटर द लारजेस्ट मॉशक्यो जामा मस्जिद दिल्ली द लॉन्गेस्ट टनल जवाल टनल बनिहाल पास कहाँ पे है जवाल टनल बनिहाल पास में है बनिहाल पास कहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर में है लॉन्गेस्ट टनल है द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम श्री सन सनमुखन खनंद श्री सनमुखानंद हॉल मुंबई में है सबसे बड़ा ऑडिटोरियम द लार्जेस्ट एनिमल फेयर यह आपका सोनपुर बिहार में है पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है ये बिहार में है ठीक है और पुष्कर आपका राजस्थान में है सोनपुर बिहार में है द लार्जेस्ट केव अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में द सबसे बड़ी गुफा है द हाइएस्ट गेट वे बुलंद दरवाजा फ़तेहपुर सिकरी सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा था हाईएस्ट गेट वे बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में है टॉलेस्ट स्टैटू ये स्टेटू ऑफ यूनिटी गुजरात में इंडिया दो मीटर द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है द मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई महाराष्ट्र द बिगेस्ट चर्च सेंट कैथेड्रल एट ओल्ड गोवा द हाइस्ट बैटलफील्ड फील्ड यह सियाचिन ग्लेशियर पाँच हज़ार सात सौ तिरपन मीटर ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है ठीक है अब ऑथर और उनकी बुक कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी देखिए अलेक्जेंड्री डूमास द थ्री मस्कटोस किसने लिखी है एलेक्जेंड्री डुमास ने अमृत ने कौन सी लिखी है आइडेंटिटी एंड बायोलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी अमृत सेन ने और कौन सी लिखी द आर्गुमेंटेड आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमृत सेन ने एक और किताब लिखी डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमृत अमृत घोष ने अमिताभ घोष ने लिखी हैं कौन कौन सी अमिताभ घोष ने रिवर ऑफ स्मोक सी ऑफ पॉपीज द सर्कल ऑफ़ रीजन द ग्रेट डरेंजमेंट डरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल ये सब अमिताभ घोष ने लिखी हैं अमृता प्रीतम ने लिखी हैं डेट ऑफ द सिटी अनिता देसाई ने लिखी है क्लियर लाइट ऑफ द डे अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है पॉलिटिक्स अरुण सूरी ने लिखी है अ सेकुलर एजेंडा और अरुंधति रॉय अरुंधति रॉय ने लिखी है द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनेटिव जस्टिस अरुंधति रॉय ने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखी है ग्रेटर कॉमन गॉड अज घोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र बुद्ध चरित्र किसने लिखी है अश्ब घोष ने बुद्ध चरित्र किसने लिखी है अब अब अजब घोष ने अनूक फ्रीडम फ्रॉम फेयर ने किसने लिखी है अनुक सेन सुकाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी लिखी है आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद चटर्जी ने लिखी है बराक ओवन में लिखी है ड्रीम फ्रॉम माय फादर बरेटी ली मरियाना चेपमैन द गर्ल विथ नो नेम ये किसने लिखी है द गर्ल विथ नो नेम बेनाजीर भुट्टो ने कौन सी किताब लिखी है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टोर बेनाजीर भुट्टो ने लिखी है जेबियर मोरो किसने लिखी है द रेड सैरी, द रेड सारी द रेड साड़ी बुक किसने लिखी है जेबियर मोरो। तो बैरेट ली मारियाना चैप ने लिखी है द गर्ल विथ नो नेम बेनजीर भुट्टो ने लिखी लिखी है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। जेबियर मोरो ने लिखी है द रेड साड़ी चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने लिखी है मेरी जेल डायरी मेरी जेल डायरी चार्ल्स डिकन की किताब है डेविड कॉपरफील्ड चेतन भगत की किताब कौन कौन सी है रिवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी बॉट यंग इंडिया बॉन्ड्स हाफ गर्लफ्रेंड वन नाइट एट कॉल सेंटर मेकिंग इंडिया और वन इंडियन गर्ल ये चेतन भगत ने लिखी है चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है इंडिया इज फोर सेल इंडिया इज़ फोर सेल दलाई लामा ने लिखी है फ्रीडम इन एग्जाइल एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम डेंटी अलीगिरी ने लिखी है द डिवाइन कॉमेडी डॉक्टर सी रंगराजन ने लिखी है इंडियन इकोनॉमी एसेज ऑन मनी एंड फाइनेंस एडवर्ड लुइस ने लिखी है इंस्पाइट ऑफ द कोर्ट्स एलिनर कैटन ने लिखी है द लुमी नरीस ई एम फोस्टन ने लिखी है अ पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टन ने लिखी है अ पैसेज टू इंडिया अब आपकी जैन बी पी मलिक ने लिखी है कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री ग्रास ने लिखी है द ट्रम एच आर द लो लोअर्स एंड जज हर्बिट जॉर्ज बेल्स टाइम मशीन इंदिरा गांधी माय ट्रुथ जयशंकर प्रसाद अजाज शत्रु अजाज शत्रु किसने लिखी है जयशंकर प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिसेस ग्लिमसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब कितने किसके हैं जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लमसिप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जयप्रकाश नारायण ने लिखी है प्रजेंट डायरी के नटवर सिंह ने लिखी है बाल्किंग विथ लायंस कर्टेन रेजर्स के कपिल देव ने लिखी हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खुशबंत सिंह ने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान करण बेदी ने आई डियर एस आई सी करण बेसाई करण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस कुलदीप माथुर ने लिखी है टू ओल्ड टू बी बोल्ड एल के आडवाणी ने लिखी है आ प्रजन स्क्रेप महात्मा गांधी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मलाला यूसुफ जाई ने लिखी है बी आर डिसप्लेस्ड मार्क टूली ने लिखी है द हार्ट ऑफ इंडिया मल्क राज आनंद ने लिखी है अनटचेबल नरेंद्र मोदी ने लिखी है एग्जाम वॉरियर्स प्रेमचंद ने लिखी है गोदान गोदान किस किसने लिखी है प्रेमचंद ने रामचंद्र गुहा गांधी मे, मेकरस ऑफ मॉडर्न इंडिया ये सब रामचंद्र गुहा ने लिखी हैं आर के आर के नारायण ने लिखी है द गायड आर के नारायण ने कौन सी लिखी है द गाइड रस्किन बोंड ने लिखी है अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज डेथ अंदर द डीडोर्स डीडर्स ये रस्किन बोर्ड ने लिखी है सरोजनी नायडू ने लिखी है गोल्डन थ्रेश होल्ड द ब्रोकन बिंग्स सरोजनी नायडू ने कौन से लिखी है गोल्डन थ्रेश होल्ड द ब्रोकन बिंग्स शशि थरूर थरूर ने लिखी है लॉन्ग एरा ऑफ डार्कनेस पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर सर रिचर्ड बर्टन ने लिखी है द अरेबियन नाइट्स श्री श्री अरविंदो घोष ने लिखी है ई जी ओन ऐसे गीत, ओन गीता स्टीफन हॉकन्स ने लिखी है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तलसमी तलसमी नसरीन ने लिखी है ऑल अबाउट वूमन थॉमस पेंचन पिंचन ने लिखी है अगेंस्ट द डे बी एस नाइपोल ने लिखी है इंडिया या बाउंडेड सिविलाइजेशन अब ये किताब अब ही हम कल देखेंगे ठीक है और फिर हम कल इसको ख़त्म करते हैं हमारी इस किताब को कोशिश करेंगे कि कल हम इसको ख़त्म कर दें क्योंकि इसमें कल नहीं तो फिर परसों तो हम कर ही देंगे ठीक